हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी आई एम नमिता योर फ्रेंड वेलकमिंग यू टू माय चैनल हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड योर एग्जाम आल्सो गुड सो फ्रेंड्स हु आर डूइंग बीएड इन आंध्र यूनिवर्सिटी देर सेकंड सेमेस्टर ओवर और हु सेकंड सेमिस्टर नॉट ओवर प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स किस किस का सेकेंड सेमिस्टर अभी तक नहीं हुआ है आप कमेंट करके मुझे बताओ ठीक है एंड फ्रेंड्स आई अल्सो थैंक्स एवरीबडी हु सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक्स माई वीडियो हु एनकरेजेस मी सो थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स टुडेज वीडियो ऑन आर्ट्स एंड एजुकेशन सो मेनी फ्रेंड्स आई रिक्वेस्टेड मी मैम प्लीज मेक वीडियो ऑन यूनिट फोर एंड यूनिट फाइव सो फ्रेंड्स यूनिट फोर एंड यूनिट फाइव इज नथिंग देर सो इन यूनिट फोर ओनली अबाउट फोर थिंकर्स आर देर लाइक रविंद्रनाथ टैगोर एस के कुमार स्वामी एंड हैवर्ड और कोई किसका है फोर थिंकर्स का है उसके बारे में हमें पढ़ के लिखना है नथिंग इज़ देर सो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना रही थी uh, आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट किया तो मैंने सोचा ठीक है बना लेती हूँ और यूनिट फाइव में आर वट इज़ आर्ट क्राफ्ट हाउ आर्ट एंड क्राफ्ट हेल्प क्राफ्ट इन आर्ट आर्ट इन क्राफ्ट एंड अबाउट इंडियन फेस्टिवल्स नथिंग इज देयर सो यू नीट टू जस्ट आप एक टाइम पढ़ो और लिख सकते हो वन टाइम रीड में आप लिख सकते हो सो मैंने कुछ ट्राई किया आज सो ले स्टार्ट टुडेज क्लास ओके माई वीडियोज इज रियली हेल्पफुल फॉर यू देन डोन्ट फॉर गेट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लेट स्टार्ट टुडेज क्लास Uh, hello, friends. So, this is unit 4 of art and education. This is about contributions made by contemporary thinkers on art and education. So, uh, friends, in this unit, you will study about thinkers. We will study about thinkers. So, four thinkers are there Ravindarnath Tagore. Anand Kanchis Kumar Swami, A.K. Kumar Swami, Herbert Reed, and Eliot Ishner. So, four thinkers are there in this unit. I will try to do three out of four. Okay, three is enough. No need to read all the four thinkers. Okay, any two only will come. So, I will try to do four, uh, three. Okay, so friends, nothing is there to understand here. इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ ही नहीं है सो आई विल रीड आउट मैंने जो लिखा मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊँगी ठीक है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर, सो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम क्या पढ़ाऊँगी उनका बर्थ कब हुआ था उनका डेथ कब हुआ था उनका वर्क्स क्या है उनका अचीवमेंट क्या है उनके फादर कौन थे विल रीड अबाउट दैट ओनली नो सो so इसमें समझाने वाला कुछ चीज़ ही नहीं है ये सर नो सो स्टार्ट The first thinker, Ravindranath Tagore. I hope everybody knows Ravindranath Tagore. Okay? So, he belongs to Calcutta. Yes or no? Uh, one quote, one quotation from Ravindranath Tagore. He wrote, I slept and dreamed that life was joy. I woke up and saw that life was service. आई एक्टेड एंड बीहोल्ड सर्विस वॉज जॉय वट इज सीट आई स्लेक्ट मैंने शो के एक सपना देखा जहाँ लाइफ वॉज वेरी हैप्पी मैंने वो कहू जब वो वो कहू जब उनको पता चला लाइफ वॉज सर्विस लाइफ इज नथिंग अबाउट सर्विस सो ही एक्टेड लाइक वट ही सॉ ओके

मिलता है मिला ओके सो रविन्द्रनाथ टागोर वॉज बोर्न इन एटीन सिक्सटी वन प्लीज रिमेंबर वेन ही गॉट बर्थ एटीन सिक्सटी वन इन दिटी ऑफ कलकत्ता कलकत्ता नाउ कोलकाता हिज फादर रविन्द्रनाथ टागोर हिज फादर वॉज देवेंद्रनाथ टागोर हु देवेंद्र नाथ टागोर एंड मदर शारदा देवी ही मेरी टू मृलानिनी मृलानिनी देवी इन एटीन एटी थ्री ही वॉज ए बेंगली ब्राह्मण बाई बर्थ ही डाइड इन नाइनटीन फोर्टी वन वाट टू रिमेंबर आपको क्या याद रखना है बर्थ डेट एटीन सिक्सटी वन बर्थ ईयर एटीन सिक्सटी वन सिटी कलकत्ता फादर देवेंद्रनाथ टागोर मदर शारदा देवी हिज वाइफ मृणालिनी देवी वेन ही गॉट मेरीड एटीन एटी थ्री बर्थ एटीन सिक्सटी वन मैरेज एटीन एटी थ्री ही वज़ ए बेंगली ही बिलोंग्स टू बेंगल नो वेस्ट बेंगल कोलकाता kolkata is the capital of west bengal no he is a bengali brahmin okay brahman by the birth and death in 1941 1861 1883 and 1941 okay now ravindranath tagore was bengali poet we already know he's he belongs to Beng, West Bengal Kolkata. So that's why he is a Bengali poet of India. He was also a philosopher. He he was he's a poet, also a philosopher and a artist. Remember, poet, philosopher, and artist. He wrote many stories, ravindranath wrote many stories novels poems dramas and also he composing music and songs the time okay his writings greatly influenced bengali culture so he belongs to bengal so unka jo writings with were influenced by the bengali culture his stories influenced by bengali culture he wrote about bengali culture he won nobel prize in literature please remember he got nobel prize in literature in 1913 remember here one more date 1913 13 only no 1913 he got नोबेल प्राइज ही वॉज द फर्स्ट प्लीज रिमेंबर ही वॉज द फर्स्ट एशियन फर्स्ट एशिया कंट्री का फर्स्ट एशिया एशियन टू विन नोबेल प्राइज नाइनटीन थर्टीन नाइनटीन फोर्टी वन में उनका डेथ हुआ था ठीक है ही वॉज़ पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव रविंद्र नाथ टागोर पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव क्या है गुरु देव ओके नाउ रविंद्रनाथ टागोर सुवर्क उनका काम क्या क्या था विल रीड नाउ ही रोट नोबेल्स यू ऑलरेडी नो ही वाज ए पोएट ही वाज ए फिलोसफर एंड ही वाज़ ए आर्टिस्ट सो ही रोट नोबेल्स एसे शॉर्ट स्टोरीज थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड ड्रामास ओके प्लीज रिमेंबर दिस वॉज ऑल्सो ए पेंटर ही वॉज ऑल्सो ए पेंटर फर्स्ट विश ही वॉज ए पोएट पेंटर फिलोसफर एंड आर्टिस्ट ठीक है टगोर्स मेजोर वर्क्स उनका मेजर राइटिंग मेजोर वर्कस क्या है गीतांजलि प्लीज रिमेंबर गीतांजलि गोरा एंड गरे गीतांजलि गोरा गौरा गरेबरे थ्री जी वट थ्री जी गीतांजली गौरा गरेबाई रीज सॉन्ग्स यूज इन मूवीज हिज सॉन्ग्स आर यूज इन मूवीज ही रोट मेनी नॉन फिक्शन बुक्स व्हाट आर दैट नॉन फिक्शन बुक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिंगस्टिक एसेस ऑटोबायोग्राफीज एंड देर हीज ट्रेवल स्टोरीज वो जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं न वो वाला स्टोरी भी वो लिखते थे दिज आर नॉन फ्रिक्शन बुक्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ऑटोग ऑटो बायोग्राफी ऑफ रविंद्रना नाथ टैगोर ओनली नेशनल अनथीम अंथीम तो आपका पता होगा वॉट इज़ द नेशनल अंतिम ऑफ इंडिया He, Ravindranath Tagore wrote Amar Sonar Bangla. Amar Sonar Bangla is the national anthem of Bangladesh. Sri Lanka Mata of Sri Lanka. Janagana Mana is the national anthem of India, wrote by Ravindranath Tagore. Please remember Amar Sonar Bangla and Janagana Mana, composed by Ravindranath Tagore. These are the national anthem of the country music and artwork what is the music and artwork of ravindranath tagore so friends he was a musician we already know he, he wrote so many songs songs poems so uh, ravindranath tagore was a musician, musician and painter he wrote 2230 songs friends 2230 songs दैट सॉन्ग्स आर पॉपुलरली कॉल्ड रविंद्रनाथ संगीत पीपुल क्या बोलते थे रविंद्रनाथ संगीत हिज मेनी सॉन्ग्स एंड पोएम्स आर पार्ट ऑफ हिज नोबेल एंड स्टोरीज जो वो पोएम्स और म्यूजिक जो कंपोज करते थे दैट आर बेस्ड ऑन हिज नोबेल एंड स्टोरीज ओके नाउ विल सी अबाउट पेंटर sorry paintings what are the paintings of ravindranath tagore so friends ravindranath tagore started painting at the age of 60 unke age 60 may he started painting his many works made a debut appearance in Paris. he was likely red-green color blind उनको कलर डेफिशिएंसी था रविंद्रनाथ टैगोर को उनको डिफिकल्टी हो रहा था टू रिकॉग्नाइज रेड एंड ग्रीन कलर ओके थिएटर ही हिज फर्स्ट ड्रामा हिज फर्स्ट ड्रामा ऑपेरा एट द एज ऑफ ट्वेंटी एट एज ट्वेंटी में उनका फर्स्ट ड्रामा हुआ था उन किसमें बाल्मी प्रतिभा ही एक्टेड इन बाल्मीकि प्रतिभा विथ इज नीस एंड अनदर वन इज डाक घर द पोस्ट ऑफिस इसमें भी उन वो ड्रामा किए थे ठीक है नाउ स्टोरीज वट इज़ द स्टोरी वन स्टोरी इज गल्प गुच्छ दिस इज थ्री वॉल्यूम गल्प गुच्छ कम्पोजर इसमें एटी फोर स्टोरी शायद देर एटी फोर Stories are there. The stories are based on the uh, Ravindranath surrounding, their village, and about life. Okay. Galpa Gucha. It is a story. Balmiki come coming under the theater. Okay. Now, the second one the second one about Herbert Reed and uh, A.K. कुमार स्वामी यू विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो ओके नेक्स्ट वीडियो और हियर ओनली आई विल टेल ओके हर्बर्ट रीड सी बोर्न ऑन डिसेंबर फोर 1893 ओके मस्कॉट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम ओकेबर फोर एटीन नाइंटी Died died in June 12, 1968. Birth on 1893, death on 1968. His uh, wife or spouse, we can say Evelyn Reed, children John Reed, father was a farmer. So Herbert Reed belongs to a farmer family okay uh, his study he studied in University of Leeds okay where you found the first world war and he got awards like military cross he got the rank of captain what is the work of Herbert spins uh, Her Herbert Reed uh, theory of mod modern painting and sculpture in 1933 art and industry 1934 art and society in 1937 anarchy and order education through art institute of contemporary art with he did this institute of contemporary art with roland penrose Okay, this is about Herbert, this is about Herbert, Spinge, uh, Herbert Reed, sorry, sorry, Herbert Reed. Okay, Shortcutly I wrote like this. Okay, you need to write in paragraph. Okay, my dear friends. Now we'll see A.K. Kumar Swami. So A.K. Kumar Swami birth on... 22 august 1877 1877 where colombo sri lanka ceylon died in 9th september 22 august birth date died in 9th september 1947 when india got independence okay father

Philosopher uh, philosopher of Indian art. Okay? Now what are the works of AK Kumar Swami? The traditional works are the traditional view of art, introduction to Indian art, Buddhist art, Indian craftsman, Indian music. राजपूत पेंटिंग द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सिलॉन् मीन्स श्रीलंका एंड द डोर इन द स्काई द डोर इन द स्काई दीज आर वर्क्स ऑफ ए के कुमार स्वामी ओके आई होप यू अंडरस्टूड इसमें तो समझने वाला कुछ नहीं है सो इफ माई इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्लीज Like, share, and subscribe. Thank you for watching my video. Namaste.